और उधर मौसी लोग घूम रही हैं। बाकी जबरदस्त टेस्ट। और ये है कानपुर की गंगा, दर्शन कर लीजिए। उरई स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ का फेमस गुलाब जामुन। तो जय हिंद, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लखनऊ जंक्शन से 12174 यूपी के प्रतापगढ़ से मुंबई के LTT जाने वाले उद्योग नगरी एक्सप्रेस में सफर करेंगे आज हम। बाकी सुबह के 5 बजने वाले हैं तो अपने ट्रेन का आने का टाइमिंग भी हो गया है, तो चलते हैं अंदर। दोस्तों सामने देख लीजिए 12174 उद्योग नगरी एक्सप्रेस 5:25 पे आ चुकी है अपने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तो चलिए चलते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और 5 पे देखिए लग चुकी है अपनी ट्रेन। इसी की आज की जर्नी होने वाली है उद्योग नगरी एक्सप्रेस, और आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में होने वाली, तो स्लीपर A6 का। आइए दिखा देते हैं आपको इंटीरियर, और ये रहा अपना कोच। तो भाई ये रहा अपना सीट 71 और 72 साइड अपर लोअर। बाकी दोस्तों अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अपने ऑन टाइम 5:35। बाकी बात करें इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन चलती है हफ्ते में 2 दिन प्रतापगढ़ से मंगलवार और गुरुवार को। तो चलिए आप लोग डिपार्चर एंजॉय करिए। लखनऊ जंक्शन, बाय बाय हो भैया लखनऊ जंक्शन। बाकी देख लीजिए अंदर का कोच का नजारा, सुबह सुबह का टाइम है और सभी लोग सो रहे हैं। ये देखिए सारे लोग अभी सो रहे हैं और भाई लोग आ गए चाय बेचने सुबह सुबह। जबरदस्त वाटे तो भैया स्लोली स्लोली अपनी ट्रेन पार कर रही है गंगा रिवर को, और ये है कानपुर की गंगा, दर्शन कर लीजिए। बाकी इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आ जाएंगे हम लोग कानपुर स्टेशन। कानपुर सेंट्रल, जय हो कानपुर सेंट्रल की। और कानपुर सेंट्रल का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाकी चढ़ने वालों की भीड़ देख लीजिए, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे अपने ट्रेन में लोग बोर्ड करने वाले हैं। तो भैया इसी के साथ अपनी उद्योग नगरी एक्सप्रेस आ चुकी है यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक नगरी कानपुर में। बाकी दोस्तों अपने ट्रेन का यहाँ पे आने का टाइमिंग था 7:50 पे, लेकिन ट्रेन आई है 10 मिनट बिफोर, यानी 7:40 पे, और ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है 15 मिनट। बाकी दोस्तों आप तो जानते होंगे कानपुर किस लिए फेमस है। कानपुर फेमस है अपने चमड़े के उद्योगों के लिए, लेदर उद्योग के लिए कानपुर काफी फेमस है। और बात करें कानपुर की तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 330 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं, 37 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 37 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो कानपुर पड़ता है अपना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में। तो दोस्तों अपने तय समय 7:55 में अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। कालपी
उरई। भाई लोग इसी के साथ अपनी ट्रेन आ गई उरई स्टेशन पे, और उरई अपना स्टेशन पड़ता है जालौन जिले में, और जालौन यूपी के 75 जिलों में जालौन भी एक जिला है। बाकी स्वागत है आपका उरई स्टेशन पे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आइएगा तो यहाँ का फेमस गुलाब जामुन जरूर ट्राई करिएगा, जो स्टेशन पे आपको हर स्टॉल पे हर वेंडर बेचते हुए मिल जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं गुलाब जामुन। ये देखिए, गुलाब चाहिए तो गुलाब भी मिल जाएगा आपको, 10 रुपये पीस है। और ये डब्बा चाहिए तो डब्बे, 100 रुपये का एक डब्बा है। उरई स्टेशन पे आते हैं तो यहाँ का फेमस गुलाब जामुन 100 रुपये का है मात्र, और 100 रुपये में 10 पीस है, तो काफी फेमस है, जरूर ट्राई करिएगा यहाँ पे आइएगा तो। 10 पीस है। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है उरई रेलवे स्टेशन से। तो चलिए गुलाब जामुन खाते रहिए और डिपार्चर एंजॉय करते रहिए। तो भाई लोग इसी के साथ अपनी ट्रेन आके लग चुकी है झांसी रेलवे स्टेशन पे। और बात करें झांसी की तो VGLV इसका स्टेशन कोड हुआ, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। बाकी 242 ट्रेनें यहाँ पे हाल्टिंग करती हैं, 16 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 16 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है 5 मिनट रुकने के बाद। बाकी ट्रेन अपनी आधे घंटे डिले चल रही है, यहाँ पे इसके आने का टाइमिंग था 11:45, लेकिन ट्रेन आई है 12:15। बाकी झांसी जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन जिस तरफ से हम लोग आ रहे हैं और जिधर को जाएंगे भोपालों के मुंबई, बाकी एक लाइन करना जो कि आगरा की तरफ जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट है। तो चलिए डिपार्चर एंजॉय करिए, इतने इसके नेक्स्ट सीट पर बैठे। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। बाय बाय हो भैया झांसी। भोपाल जंक्शन। तो स्वागत है दोस्तों आपका सिटी ऑफ लेक झीलों के शहर में आपका। बाकी यहाँ अपने ट्रेन का आने का टाइमिंग था 4:05 पे, लेकिन ट्रेन आई है 1/2 घंटे डिले, यानी 4:35 पे। और बात करें भोपाल की तो BPL इसका स्टेशन कोड हुआ, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 217 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं, 18 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 18 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। बाकी भोपाल पड़ता है अपना ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन है।
बाकी यहाँ आइएगा तो आपको सांचे की श्रीखंड मिल जाएगी। तो श्रीखंड खाना ना भूलें, क्योंकि सांची का श्रीखंड काफ़ी फेमस है और लस्सी भी काफ़ी फेमस है, 30 रुपये का मिलता है, तो हमने ले लिया है। चलिए खाके इसका टेस्ट बताते हैं। तो भैया 10 मिनट टूटने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से। और बात करें जंक्शन पॉइंट की, तो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि दिल्ली चेन्नई में लाइन होने के साथ साथ एक लाइन इधर से उज्जैन को जाती है और एक लाइन यहाँ से आगरा को जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट हुआ। बाकी अपने ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्टिंग था, लेकिन ट्रेन रुकी 10 मिनट तक और ट्रेन आधे घंटे लेट भी हो चुकी है। तो चलिए इसके बाद इसका स्टॉपेज है सीधा भुसावल में, तो मिलते हैं 5-6 घंटे बाद भुसावल में। तो ये देखिए भैया, ये आ चुकी है सांची की लस्सी और इसको टेस्ट करते हैं। भाई थोड़ा जमी रहती तो अच्छी होती, पिघल गई है गर्मी की वजह से, फ्रीजर में नहीं रखा था। बाकी जबरदस्त टेस्ट है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। रानी कमलापति रनवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम लोग। काफी साफ सुथरा और प्यारा रेलवे स्टेशन रानी कमलापति, और अपनी ट्रेन स्लोली स्लोली स्किप कर रही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। दक्षिण एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें चल रही साथ ही साथ। वाह 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 वाह, क्या नजारा है भाई, ये देखो भाई लोग दोनों ट्रेनें साथ ही साथ। अरे स्पीड में निकाले तब मजा है। बाय 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 बाय। देखो कौन पीछा करेगा, रेस लग रही है रेस। दोनों ट्रेनें आपस में एकदम चटा के चल रही है, पैरेलल रन चल रहा है भाई। देखो भैया कौन रेस जीतती है, दो ट्रेनों में रेस लगी। देखो भाई कौन पीछा करेगी, मदुरई वाली जाएगी यात्री वाली। जबरदस्त नजारा भाई। ये नजारा भैया भाई। तो अपनी ट्रेन चली गई इधर मुंबई वाले रूट पे और ये कट गई है यहाँ से मदुरई वाली चली गई भाई। बाय बाय मदुरई हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। बड़ा अच्छा लगता है, यही स्पीड में होता तो और अच्छा लगता। लोकमान तिलक टर्मिनल, और लोकमान तिलक टर्मिनल का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, और उस तरफ लगी है विशाखापट्टनम से LTT से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन।
और अपनी ट्रेन आ चुकी है LTT के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और समय देख लीजिए 5:54। यानी ट्रेन लगभग 25 मिनट लेट हो चुकी है। 5:30 बजे खाने का इसका टाइमिंग था। और उधर मौसी लोग घूम रही हैं। तो गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैन, सुबह के 6 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने लास्ट स्टॉपेज लोकमान तिलक टर्मिनस यानी LTT। और यहाँ पे इस ट्रेन का आने का टाइमिंग था 5:30 बजे, लेकिन ट्रेन आई है 1/2 घंटे डिले है। तो चलिए कोई नहीं, 1/2 घंटे डिले कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी हमने सोचा था कि रात में जगे रहेंगे तो आपको भुसावले आए को स्टेशन और दिखाएंगे, लेकिन रात में खाना खाने के बाद ऐसा नींद लगा कि अभी जाके नींद खुला है। तो चलिए, उम्मीद है आप जर्नी ये छोटी सी एंजॉय करेंगे, और अगर छोटी सी जर्नी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलेंगे जल्द ही किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।